इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे संत लुई का T10 ब्लास्ट के दोस्तों आज के होने वाले सेकेंड मैच के बारे में। दोस्तों आज का सेकेंड मैच CCMH और दोस्तों ME टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैच से रिलेटेड अपना स्मॉल लीग का फाइनल टीम शेयर कर रहा हूँ और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप खुद से टीम बनाना चाहते हो तो स्मॉल लीग में आपका क्या बेस 11 प्लेयर का होना चाहिए, ग्रैंड लीग में दोस्तों आप किस प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो और दोस्तों कैसे रिक्स लेना चाहिए, और फिर दोस्तों इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है ना कि देखो स्मॉल लीग कम खेलना। रीजन मैं आपको बताता हूं, CMH की टीम दोस्तों ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के दोस्तों 7 फाइनल में जा चुकी है। इन्होंने अभी तक 6 मैच खेला है टूर्नामेंट में, जिसमें इन्होंने 5 मैच विन कर लिया और 1 मैच मात्र इन्होंने लॉस किया है। और वहीं दोस्तों ME की टीम दोस्तों इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। यह मैच दोस्तों ME की टीम गलती से भी विन भी करती है तब भी दोस्तों कोई चांस नहीं है। तो इस मैच में दोनों टीम अपना जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो डेफिनेटली दोस्तों चेंजेस करेगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग पे थोड़ा सा कम फोकस करके मिनी जीएल ग्रैंड लीग पे ज्यादा कीजिएगा, ठीक ना। और जो भी दोस्तों मैं स्मॉल लीग का टीम अभी आपको वीडियो में शेयर किया हूं, टस के बाद यदि सभी प्लेयर खेलते हैं तो आप उस टीम के साथ जा सकते हो, यदि कोई प्लेयर ना खेले तो फाइनल कॉम्बिनेशन मैं आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। करिए दोस्तों हम लोग CCMH और दोस्तों ME के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन से। विकेट कीपरिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन एस नाट्रम का मिलेगा। नाट्रम दोस्तों देखो सभी टीम में यार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें कैप्टन भी करो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैटिंग से इन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। अभी तक देखो तो इन्होंने 6 मैच खेला टूर्नामेंट में, जिसमें आपको बैटिंग से 191 रन स्कोर कर चुके हैं, और इसी के साथ दोस्तों इस टूर्नामेंट के सेकेंड सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन भी है। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपको डब्लू फ्लिक्स का मिलेगा, लेकिन दोस्तों देखो यदि आप ट्राई करना हो डब्लू फ्लिक्स को तो GL में कर सकते हो, ठीक ना, और वो भी दोस्तों नाट्रम के साथ ही कीजिएगा। बट स्मॉल लीग में दोस्तों कोई चांस ही नहीं है कि मैं इन्हें टीम में रख पाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इनका आया नहीं है, और बैटिंग पोजिशन में भी देखो तो आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कभी भी बैटिंग करने आ जाते, कभी भी फिक्स नहीं रहता है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में आपको एस चार्ल्स का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट। अब दोस्तों देखो एस चार्ल्स खिलाड़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों वही प्रॉब्लम है कि बैटिंग इनका नीचे रहता है, आपको सभी मैच में 3 नंबर नहीं तो दोस्तों 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं। अब लास्ट मैच में दोस्तों आपको 2 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड कर जरूर कर दिए थे, लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं दोस्तों, इससे पहले एस चार्ल्स ने किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं किया है, तो आप ये 100% श्योर नहीं रखना कि आपको बॉलिंग करेंगे ही। आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, बट GL में डेफिनेटली आप इन पर रिस्क भी ले सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको अगस्ती का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों देखो अगस्ती और दोस्तों एस चार्ल्स ये दोनों प्लेयर को आप रोटेट कर सकते हो, क्योंकि अगस्ती का सिलेक्शन परसेंटेज हाई जरूर जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगस्ती का रीसेंट मैचों में थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस रहा है, ठीक ना। जिस दिन चलता है दोस्तों आपको बहुत बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन जिस दिन नहीं चलेगा आपको दोस्तों 10 रन मैक्सिमम मार के आउट हो जाता है। तो ऐसे प्लेयर पर GL में आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में मैं राइट नाउ टीम में रख रहा हूँ। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ML का ऑप्शन मिलेगा। ML तो मेरे दोस्तों सभी टीम में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टूर्नामेंट के 3rd सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन है, सभी मैच में ओपन बैटिंग कर रहे हैं, और ME के दोस्तों सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन है, तो ड्रॉप दोस्तों करना ही नहीं है। नीचे दोस्तों कुछ खास ऑप्शन मिलेगा नहीं, ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपको इवली बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों आपको 2 ओवर बॉलिंग के साथ साथ आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, बहुत अच्छे दोस्तों परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इनका बॉलिंग बैटिंग दोनों से, ड्रॉप नहीं कीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको फैमिल का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों देखो मैं इन्हें एज अ बॉलर ट्राई करने वाला हूँ, मैं बैटिंग से बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद रखता नहीं हूँ, क्योंकि बैटिंग से सच बोलूँ तो इन्होंने कंसिस्टेंट सभी मैचों में बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट बॉलिंग से कंसिस्टेंट इन्होंने
सभी मैच में आपको विकेट प्रोवाइड किए और कंसिस्टेंट सभी मैच में दो दो ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं, ड्रॉप में नहीं कर रहा हूँ। फिर नीचे दोस्तों आपको एम सेमी का ऑप्शन मिलेगा, एम सेमी को भी दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, स्पेशली स्मॉल लीग में करना, और तब करना जब दोस्तों एमी की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है, ठीक ना। फिर नीचे दोस्तों आपको जेम्स का ऑप्शन मिलेगा। आप दोस्तों देखो जेम्स को आप जीएल में रोटेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, स्मॉल लीग में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा ट्राई करने के लिए क्योंकि फिक्स नहीं रहता है। यदि दोस्तों जेम्स का फर्स्ट ओवर खराब जाता है तो सेकेंड ओवर इन्हें नहीं मिलता है, ठीक ना। फर्स्ट ओवर ये बैटर फेंकते हैं तभी दोस्तों कैप्टन इन्हें सेकेंड ओवर का चांस देता है। दैट मीन दोस्तों आपको ये नहीं कि सभी मैच में दो ओवर बॉलिंग करके देंगे, इसलिए मैं स्मॉल लीग में इन्हें नहीं ट्राई कर रहा। बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों एम क्लार्क सबसे इंपॉर्टेंट पिक है। कैप्टन बीसी भी आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज दोस्तों इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है, और साथ ही साथ एम क्लार्क ध्यान रखिएगा आपको बैटिंग बैकअप भी देते हैं। बैटिंग का चांस मिला डेफिनेटली आपको 20 रन तो कर देंगे, इस तरह के दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है। फिर नीचे आएगा दोस्तों आपको डी सेमी जूनियर का ऑप्शन मिलेगा। बॉलिंग से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, अब लास्ट मैच में आपको बैटिंग से भी अनएक्सपेक्टेड स्कोर कर दिए थे, लेकिन बैटिंग से यार सभी मैच में उम्मीद मत रखना क्योंकि लास्ट मैच यदि आप देखोगे तो दोस्तों इन्होंने जो भी स्कोर किया था ना सामने नहीं मारा था दोस्तों, जो भी मार रहे थे वो पीछे से बाउंड्री चला जा रहा था कट लग के, तो इसलिए बैटिंग से नहीं लेकिन हाँ बॉलिंग से आप उम्मीद कर सकते हो। बॉलिंग से इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और विकेट टेकर बॉलर है। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा के अर्नॉट का। अब दोस्तों देखो इस मैच में आप के अर्नॉट को ट्राई करो या दोस्तों इनके जगह रिस्क लेना चाहते हो तो जेम्स को भी आप रोटेट कर सकते हो। ये दोनों प्लेयर दोस्तों सेम ही टीम के। अब देखो केन और नॉट का रीसेंट मैचों में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहा है एज कम्पेयर टू जेम्स, मैं इसलिए थोड़ा सा सेफ जा रहा हूँ, बट ध्यान रखना जीएल में आप रिक्स ले सकते हो। फिर नीचे दोस्तों एल सेमी को मैं अपने टीम में ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बॉलर अच्छे हैं, विकेट थोड़ा सा कम इन्हें जरूर मिलता है लेकिन बॉलर अच्छे हैं। अब देखो दोस्तों सेफ ये हो गया लेकिन रिक्स आप लेना चाहते हो तो इनके जगह इस मैच में स्पेशली दोस्तों नीचे से सुखवा एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। मात्र 12% सिलेक्शन है इसलिए मैं स्मॉलिंग में नहीं रख रहा हूँ, राइट आउट मे भी मैं टॉस के बाद चेंज कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखना बॉलर अच्छा है जब भी विकेट लेता है गुच्छे में विकेट लेता है, डेट मीन्स आपको एक ही मैच में 3 विकेट 4 विकेट इस तरह से लेके देता है, तो इस प्लेयर पे जीएल में तो आपको डेफिनेटली रिक्स लेना है, ठीक ना। नीचे दोस्तों आपको के जूल्स का ऑप्शन मिलेगा। चोट की वजह से दोस्तों कुछ मैच से खेल नहीं रहे इसलिए मैं राइट नाउ टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों देखो कैप्टन मैं जा रहा हूं अभी के लिए एली बॉक्स के साथ बिकॉज एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करके देते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों देखो एक तो आप ऊपर से विकेट कीपिंग सेक्शन से नाटराम जनता कम ट्राई कर रही है, लेकिन दोस्तों यदि टॉप ऑर्डर में खेलने आते हैं तो बेस्ट चॉइस बन जाता है। फिर नीचे दोस्तों एम बेल्स, देखो एम बेल्स को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि नाटराम और एम बेल्स दोनों आपको बैटिंग से ही पॉइंट देते हैं, और यदि दोनों का बैटिंग कंपेयर करोगे तो नाटराम मच बेटर प्लेयर है एम बेल्स से, तो एम बेल्स को ट्राई करना हो जीएल में करना, लेकिन स्मॉल लीग में नाटराम के साथ आप जा सकते हो। तो बॉलिंग सेक्शन से क्लार्क बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान रखना रिक्सी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी देखो तो जनता दोस्तों इन्हें कैप्टन बीसी दोनों कर रही है, आप भी कर सकते हो कैप्टन बीसी दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यार बॉलिंग से इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, इसलिए जनता दोस्तों इन्हें राइट नाउ अपने टीम में कैप्टन बीसी ट्राई भी कर रही है। अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में देखो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सभी प्लेयर खेलते हैं लाइन आउट आने के बाद, तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो, ठीक ना, और जो भी चेंजेस होगा वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन टॉस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में बाय चांस कोई एक प्लेयर ना खेले तो मैं आपको फिर से फाइनल कॉम्बिनेशन तब अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों।